गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंदु श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्वागत करते हैं अपने चैनल में। रोज तो हम लोग किसी न किसी रोग के बारे में डिस्कशन करते हैं अपने ऑडियंस से, अपने व्यूवर्स से। आज कुछ उससे हटके एक विशेष टॉपिक है कि एक केस था जिसमें मैंने देखा कि एक फादर एक सन आए थे, एडमिट हुआ था उसका सन, एडमिट हुआ था। तो फादर ने उसका 8 साल का बच्चा था, तो उसने बच्चे ने कुछ शरारत की, तो जो उसके पिताजी ने उसकी पिटाई कर दी। तो उसकी पिटाई करने से जो उसके थाई जांघ की हड्डी यानी थाई की लॉन्ग बोन यानी फीमर बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी दो जगह से, उसके मार खाने की उसको बच्चे को पीटने की वजह से। तो इस केस से बहुत ही बहुत दुख महसूस हुआ हम लोग को, जितने भी डॉक्टर थे साथ के सबको बहुत ही बुरा लग रहा था कि बच्चे को मतलब उसी के फादर ने हार्म पहुंचा दिया, और मेंटली भी और फिजिकली भी। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चे पे हाथ उठाते हैं या उसको मारते पीटते हैं, तो उससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों पीड़ा बराबर पहुंचती है। मैं इसीलिए आज स्पेशली इस टॉपिक पे वीडियो बनाने आया हूं आप लोग के समक्ष, क्योंकि आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, तो अगर उसको कहीं भी खतरा महसूस होता है, डेंजर महसूस होता है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो या किसी का भी बच्चा हो, तो अगर उसको डेंजर या खतरा महसूस होता है तो वो भाग के अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, अपने माता पिता के पास जाके बहुत सेफ महसूस करता है, अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। अब बात करते हैं कि जब बच्चे को उसी के माता पिता मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो बच्चा कहाँ जाए? बच्चा बहुत कन्फ्यूजन फेज में हो जाता है, बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में, कि वो उसको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ और किससे किस किस पास जाऊँ। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप बच्चे को अगर मार पीट रहे हैं, तो मारने पीटने के बाद थोड़ी देर बाद बच्चा आके गले लगता है, आप ही से आके गले लगता है। उसकी वजह यह है क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, इस स्टेट में उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, और क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास ही सुरक्षित महसूस करता है। अब यहाँ पर उसी के माता पिता उसको मार पीट रहे हैं, तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो बच्चा तब भी इसके बावजूद थोड़ी देर बाद जाके गले लग जाता है। तो बच्चे को नर्वस सिस्टम जो है, पूरा नर्वस सिस्टम बच्चे का एकदम हिल जाता है, झकझोर जाता है, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आता, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैं कहां सुरक्षित फील करूं। तो मैं अपने ऑडियंस और अपने व्यूअर से बस इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी बच्चे पे को डांटना एक नॉर्मल सी बात है, कि अगर मान लीजिए बच्चे को सही राह दिखाने के लिए डांटा जा रहा है, सही रास्ता बताने के लिए डांटा जा रहा है, किसी गलती पर डांटा जा रहा है, लेकिन मारना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मारना पीटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने बच्चे को अगर प्यार से कोई बात नहीं समझा पा रहे हैं या डांट के नहीं समझा पा रहे हैं, तो मार के तो बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और अगर बच्चा मार से समझ भी ले रहा है, तो उसके दिल में एक रिवेंज की भावना आ जाती है, बहुत निगेटिव एस्पेक्ट आता है बच्चे के दिल में, एक निगेटिविटी आने लगती है, निगेटिव वाइब्स मिलती हैं उसको, कि जो बच्चे मार खाते हैं बराबर, उनके दिल में देखा गया है, उसके अगर आप मेंटल रीडिंग किया जाए, साइकोलॉजिकल रीडिंग किया जाए, तो उनके अंदर निगेटिव वाइब्स ज़्यादा आ जाती हैं, कि मतलब मुझे मार पड़ेगी। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि ये सोचने लगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अरे मार पड़ेगी तो मैं ये गलत काम कर लेता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि मारना पीटना कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने बच्चे को। आप प्यार से समझाइए उसको, डांट के समझाइए, लेकिन अगर प्यार और डांट से नहीं समझ रहा है, तो मारना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्यार और डांट ही से समझना ही पड़ेगा बच्चे को, और आपको समझाना ही पड़ेगा। मैं हमेशा एज बीइंग डॉक्टर, एज बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमेशा इस बात का विरोध किया हूँ कि बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपके साथ सामने साक्षात ऑर्थोपेडिक सर्जन बन के बैठा हूँ, मेरे मदर फादर ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, और मैं ना ही कोई नशा करता हूँ, मैं एक इलायची भी नहीं खाता हूँ, और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बन के आप लोग के सामने बैठा हूँ। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि बिना मारे पीटे भी बच्चे को एक अच्छी संस्कार दिए जा सकते हैं और अच्छा रास्ता दिखाया जा सकता है।
तो अब जैसा कि मैंने बताया कि एक केस आया कि उसके फादर ने अपने बेटे की लॉन्ग बोन, थाई की लॉन्ग बोन, फीमर बोन जो जिसको कहते हैं, वो मार पिटाई से तोड़ दी है। अब उसका फादर खूब पछताता है, खूब रोता है, लेकिन बच्चा मेंटल ज्यादा डिस्टर्ब, हम लोग को असेस किए, हम लोग मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब है, फिजिकली शारीरिक पीड़ा से ज्यादा उसको मानसिक पीड़ा कि मेरे फादर ने मेरा पैर तोड़ दिया। तो आप लोग से बस एक यही रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग बच्चों को मारे पीटे ना, प्यार से समझाएं, नहीं तो डांट के समझाएं, पर मारना पीटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं इस बात की आप लोग को गारंटी देता हूं कि मारना पीटना कोई सॉल्यूशन नहीं। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, लेकिन मैं हॉस्पिटल और अपने निजी सारे काम के बाद, सारी ड्यूटीज करने के बाद वीडियो बनाता हूं। इसलिए वीडियोस बनाता हूं कि मैं अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स, जो भी मुझे देखते हैं, जो अपना प्यार देते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं और जो नहीं भी किए हैं, आप सब लोग के लिए कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस ला सकूं जिससे कुछ बातें मैं अच्छी आप लोग तक पहुंचा सकूं। और उसी में मेरा सबसे मेन टॉपिक आज ये आपको बताने का इसलिए है क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो केस मैंने देखा है उसमें उसके फादर ने अपने बच्चे की थाई की बोन फीमर फ्रैक्चर कर दी मारपिटाई से। तो मैं बस आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस एक बार फील करके देखिए कि बच्चा जब खतरा महसूस करता है तो अपने माँ बाप के पास भाग के आता है, और जब बच्चे को माँ बाप से ही खतरा हो तो वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, आप लोग बताइए। आप लोग खुद इस बात का जवाब दें। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग खुद मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर मान लीजिए बच्चे को खतरा है तो अपने माँ बाप के पास भाग के जाके एकदम महफूज महसूस करता है, एकदम सेफ महसूस करता है, लेकिन जब बच्चे को माँ बाप से ही खतरा हो, बच्चे को लगेगा कि मेरी मार मेरे माँ बाप से ही मिलने वाली है, तो बच्चा कहाँ जाएगा, और वो एक कंफ्यूजन स्टेट में चला जाएगा, एक बहुत ही उसका दिमाग में बहुत नर्वसता, एकदम पूरी नर्वस सिस्टम उसकी हिल जाती है कि उसको कंफ्यूजन होती है कि मैं कहाँ जाऊँ। इसके बावजूद देखता है कि मेरे माता पिता मुझे मार रहे हैं, तब भी उनसे गले लगता है, उनकी तरफ प्यार से जाता है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों को मारे पीटे ना, प्यार से और डांट के समझाएं और उसको सही रास्ता दिखाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।